पर आप देख सकते हो अगर बुखार होगा तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को एग्जाम नहीं दिया देना जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनका साल खराब नहीं होगा। अगर आप बुखार पाए जाते हो उस टाइम में जब एग्जाम सेंटर हॉल में आप बैठते हो, उस टाइम अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा नॉर्मल टेम्परेचर से, तो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन आपका साल खराब नहीं होगा। तो ये न्यूज है 10 जून 2020 की, कल की न्यूज है ये। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस न्यूज की रिपोर्ट क्या है। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय की शेष रही परीक्षाएं 13 जुलाई से शुरू होने की संभावना है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो विद्यार्थी इस महामारी या फिर वायरस से ग्रसित हो वह परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अब इन विद्यार्थियों को एक साल खराब ना हो इसके लिए भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय कोई ऐसा बीच का रास्ता तलाश रही है जो इन विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आएगा। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन पर ध्यान केंद्रित की जा रही है, तो वहीं जो विद्यार्थी परीक्षा देने आएंगे उनके स्वास्थ्य की जांच को लेकर भी पुख्ता कदम उठाने के दिशा निर्देश अभी से दे दिए गए हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के इस सामने उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि कोई बुखार या बीमार पाया जाता है तो उन्हें फिर एग्ज़ाम या संदिग्ध पाया जाता है तो उन्हें फिर एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश ना होने दिया जाए, जबकि उनका एक साल खराब नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर वो बीमार में पाए जाते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी एग्ज़ाम सेंटर हॉल में, लेकिन उनका जो एक साल है वो किस तरह से उनका बीच का रास्ता अपनाया जाए। बुखार वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा प्रवेश। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से साफ कर दिया है कि यदि परीक्षा केंद्र पर टेम्परेचर जांचने में किसी विद्यार्थी के भूमि में बुखार पाया जाता है तो उसकी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए रास्ता तलाशा जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय अभी से ही जुट गया है। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति आर के कोठारी की माने तो उन्होंने कहा है कि उनकी जो परीक्षा है वो सप्लीमेंट्री परीक्षा में ऐड कर दिया जाएगा, मतलब उनका साल खराब नहीं होगा, जो बैक के एग्जाम होते हैं उन्हें उनकी परीक्षाओं में ऐड कर दिया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति आर के कोठारी ने कहा है कि यदि किसी विद्यार्थी को बुखार हो या फिर बीमारी के लक्षण हो तो उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया जाए, लेकिन ऐसे में चिंता ये भी है कि उनका साल खराब ना हो इसके लिए उन्हें पूरक परीक्षाओं में शामिल करने का मौका दिया जाए। पूरक एग्जाम यानी कि सप्लीमेंट्री जो बैक एग्जाम होते हैं वो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।